बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की अति प्राचीन और ऐतिहासिक नदी माँ शिप्रा के दर्शन करेंगे आज हम। चलिए चलते हैं। इस नदी से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं, कथाएं हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सारी विजिट करेंगे हम। बात है कि धन्यवादी रहिएगा साहब, अगर आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो धन्यवादी रहिएगा। क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ना ही छत है और ना ही उनको गारंटी है कि कल खाने को मिलेगा भी या नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं, रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े, तो धन्यवादी रहिएगा। हर रोज़ सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दीजिएगा। और अब हम आ पहुँचे हैं रामघाट पर। इसे रामघाट इसलिए कहा जाता है कि एक बात कही जाती है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिताजी दशरथ का श्रद्धा कर्म और तर्पण इसी तट पर किया था, इसी पवित्र नदी शिप्रा मैया में किया था, जिसे हम मोक्षदायिनी नदी कहते हैं, इसीलिए इसे रामघाट कहा जाता है। 12 वर्ष में जो सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजित होता है वो इसी नदी के तट पर होता है। और यहाँ से जब आप सूर्यास्त होता है तो जो सूर्यास्त होता है वो देखने का मजा ही कुछ और, एक अलग ही दृश्य होता है इस नदी के तट पर से अगर हम सूर्यास्त को देखते हैं। यहाँ पर कई मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों की स्टॉक फोटोज मैंने ली है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। शिप्रा नदी को लेकर एक कहानी भी बताई जाती है कि भगवान शिव को जब भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा कि मैं भिक्षा मांगूंगा, और वो भिक्षा मांगते हुए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने अपनी तर्जनी उंगली भगवान शिव को दिखा दी, तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उनकी जो तर्जनी उंगली थी वो काट दी, तो वहां से रक्त की धारा बहने लग गई थी। तो भगवान शिव ने अपने कुंडल में वो रक्त की धारा बही और जब वो नीचे बहने लगी तब वो नीचे पृथ्वी विष्णु लोक से पृथ्वी लोक पर आकर शिप्रा नदी के रूप में वो। मैंने एक और बात पढ़ी है कि जो अत्रि ऋषि थे उन्होंने उज्जैन के अंदर हजारों वर्षों तक तपस्या करी और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके शरीर में से दो तेज बह रहे थे, तो जो एक चंद्र के रूप में ऊपर परिवर्तित हो गया और एक यहाँ पर शिप्रा नदी के रूप में। यह भी कहानी मैंने पढ़ी है। एक बहुत ही बड़ा त्रिशूल भी है। जय श्री महाकाल। एक नदी से बह रहे हैं आदियों। मांग तारे एक दिन माटी में मिल जाना, रतन मांग तारे एक दिन माटी में मिल जाना, रतन मांग तारे एक दिन माटी में मिल जाना, रतन मांग तारे एक दिन माटी में। मैया शिप्रा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के महू छावनी से 17 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाड़ियों से बताया जाता है और वहां से ये नदी शुरू होकर चंबल में जाकर मिलती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान शिव के जो अवतार हैं भगवान परशुराम, यह उनकी जन्मभूमि भी है। एक और बात बताई जाती है कि जो विक्रमादित्य के भाई हैं राजा भर्तहरि और गुरु गोरखनाथ ने भी शिप्रा नदी के तट पर तपस्या। उज्जैन के अंदर टोटल 84 महादेव हैं, जिसमें से 7 महादेव के मंदिर रामघाट के तट पर ही हैं, जिसमें से
मैं कुछ के वीडियोस फुटेज आपको दिखाता हूँ। शिव कैलाशो के वासी गोरी दारो के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा। ये जो मंदिर मैंने आपको दिखाया ये 84 महाकाल के मंदिर में से जो 84 महादेव है उसमें से 13वां है कामेश्वर महादेव का मंदिर। अब हम दूसरे महादेव के मंदिर भी 2-3 विजिट कर रहे हैं। स्थान है जहां पर हर रोज शिप्रा मैया की आरती होती है। आरती की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। घाट के किनारे भगवान राम की वानर सेना भी है। हमारी संस्कृति में पुराने ऋषि मुनियों ने विद्वानों ने ज्ञानियों ने जितने भी स्थानों का निर्माण किया है, हमारी जो संस्कृति है जितने भी स्थान है जो कि ह्यूमन के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिनका निर्माण हुआ है, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वी मस्ट मेक यूज ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स यूज देम एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। नमस्कारम। इस जगह को आप जरूर विजिट कीजिएगा।